हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हम बनाएंगे मोरिंगा टी। मोरिंगा टी बनाने के लिए हमें मोरिंगा लीव्स चाहिए होंगे। तो ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये है मोरिंगा का प्लांट, या इसको सहजना का प्लांट भी बोलते हैं, सुहाजना का भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक प्लांट भी बोलते हैं। तो ये सारे मोरिंगा लीव्स हमने तोड़ लिए हैं, और जो मोरिंगा के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, उसमें सबसे जो मेन बेनिफिट्स होते हैं इसके, वो है एक तो इसमें जो विटामिन सी होता है वो ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है, पोटाशियम जो है वो बनाना से भी ज़्यादा होता है, कैल्शियम में ये रिच होते हैं, प्रोटीन, आयरन, अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं, और साथ ही में ये जो हमारी बॉडी है उसको हील करने में भी हेल्प करते हैं, और जो मसल्स की बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करते हैं, और ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उन लोगों को ये वाले नहीं कंज्यूम करने चाहिए, तो बाकी सभी इसको ले सकते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में नहीं लेना। तो आज हम बनाएंगे मोरिंगा लीव से अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी बनाने के लिए हमें थोड़े से इसके पत्ते चाहिए होंगे, ज़्यादा इसमें पत्ते हमने नहीं डालने हैं, बस हमें इतने पत्ते सफिशेंट हैं मोरिंगा टी बनाने के लिए। एक कप हमने पानी लेना, नॉर्मल पानी, और उसमें हमने डाल देने हैं ये वाले मोरिंगा के लीव्स। बस इनको डाल के हमने बॉयल करने हैं। तो एक गैस स्टोव के ऊपर मैंने अपने पैन को रख दिया, और इसमें मैंने मोरिंगा लीव्स डाल दिए। बस अब ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो अब इसको हम थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। तो पानी जो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो अब हम इसको कम सेक के ऊपर से कवर करके पकाएंगे। तो 3-4 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि जब इसका पत्तों का कलर इसमें आ जाएगा ना, तब ये बन जाएगी हमारी ग्रीन टी। तो ये देखो हमारे जो ग्रीन टी है बिल्कुल रेडी हो रही है, तो पानी का जो कलर एकदम चेंज हो गया। तो ये देखिए मोरिंगा की ग्रीन टी जो हमारी रेडी हो रही है, इसको सुहाजने की टी भी बोलते हैं। तो उसमें खाली हमने सुहाजना लीव्स डाले हैं और कुछ नहीं डाला हुआ। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और टी को करते हैं सर्व। तो एक छन्नी के थ्रू हम अपनी जो मोरिंगा ग्रीन टी को छान लिए, तो एकदम परफेक्ट कलर आया है इसका ग्रीन टी वाला। तो आपको मोरिंगा पाउडर खरीद के उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसी मेथड से, जैसे मैंने चाय बनाई है, तो अपनी ये मोरिंगा लीव से आप अपनी चाय बना लो। तो ये देखो मोरिंगा ग्रीन टी हमारी हो गई रेडी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।